मुरादाबाद के कोतवाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब पटाखे से रस्सी के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बच्चों द्वारा पटाखे फोड़े जाने से आग लगी थी। आसपास के लोगों ने आग लगता देख आग पर काबू पाया। समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। आग लगने से हजारों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र कंजरी सराय का है। ये झाड़ू वगैरह इधर देख, क्या हुआ, कैसे आग लगी इसमें? ये पटकारे जो छोटे हुए सड़क में, पटकारा कोई घुस गया इसके अंदर। अच्छा, तो लगभग कितना नुकसान हुआ था? इधर देख, नुकसान तो कोई ऐसी जगह 10-5 हज़ार का ही होगा। बड़ा हादसा होने से बचा? बड़ा हादसा होने से बच गया। अच्छा, दमकल आ गई थी पुलिस उसकी? आ गई तुरंत, सब मोहल्ले वालों ने उसको बुला के, मोहल्ले वालों ने खुद ही फर्स्ट एड करके उसकी तरसी बराबर पानी फेंक रहे थे। आपको कैसे पता? हमको मोहल्ले वालों ने फोन कर दिया। आप कहाँ रहते हैं जनाब? हरपाल नगर। अच्छा, तो अजीब प्रॉब्लम, बहुत घर है हमारे। नहीं, वो ये गोदाम है आपका? गोदाम के साथ साथ घर भी तो गोदाम है, बहुत है। ये झाड़ू का खंडोल जो रस्सी भंडार है, यहाँ आग लगने की हमें सूचना मिली। जैसे हमें सूचना मिली वैसे ही हम का तत्काल प्रभाव से लेकर के आए और घटनास्थल का मुआयना किया, तो हमने ताले काट करके आग को काबू पाया और आग बुझाएगी। दो ताले काटे तो किसका गोदाम था, किस चीज का? ये कोई जैन साहब है, सुनील कुमार जैन। नहीं, किस चीज का गोदाम था, सामान क्या था इसमें? रस्सी का भंडार है, रस्सी है और क्या नाम है, पत्थर डोलने का भंडार है और झाड़ू वगैरह का भी है। तो बुझ चुकी आग? हाँ, हमने आपको क्या नाम है, संपूर्ण रूप में क्या नाम है, उस पर तो आग के आग लगने का कारण बता गए? आग लगने का कारण जो पटाखे से क्या नाम, उसकी चिंगारी फैली है और उसी से आग लगी है।